नमस्ते आई जी, एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हमारे सारे हीलर्स के द्वारा, कि जब हम सिंबल्स को सीखते हैं, जब हम सिंबल्स को जानते हैं और जब हम सिंबल्स की अटूनमेंट ले लेते हैं, तो उनका इस्तेमाल कब कब, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करना चाहिए। जैसे कि चौकुरे, सेहकी, डाइकोमियो, होंशा जेशुनिन, तो ये सारे सिंबल्स के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो तो हम अलग से समझ चुके हैं। एक जो बात ये है कि सारे सिंबल्स को कैसे कैसे ड्रॉ करना है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि सिंबल्स को सबसे पहले तो अपनी हथेलियों में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने पाम पर, दो उंगली से पाम में, दो उंगली से पाम पे, ठीक है। उसके बाद अपने सिंबल्स को बहुत ही छोटे रूप में अपने उंगलियों के टिप पर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपनी कल्पना से करें या पेन से करें या कैसे भी, वो यहाँ पे आपको दिख जाए बस इतना। दूसरा, हवे में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए दोनों हाथ से। तीसरा, इस तरह से बना करके हवा में एक मोटा वाला सिंबल बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप किसी बहुत बड़े एरिया पे ये कर रहे हो तो अपनी पूरी हथेली से इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप इस तरह से बना सकें। अब ये तो एक एक हाथ से हो गया, दोनों हाथ से अलग अलग भी बनाना सीख गए। किसी किसी कंडीशन में हीलर्स इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जैसे सपोज वो डाइकोमियो बना रहे हैं तो डाइकोमियो बस इस तरह से वो बना करके ख़त्म कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ दोनों हाथों से इस तरह से बनाएं तो अच्छा है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को और समझिएगा, बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि आप हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कल्पना करना होता है। तो कल्पना जब आप कर रहे हैं तो इसका अभ्यास कीजिए, ये कल्पना सीधे ना करके अपनी आज्ञा चक्र से एक रोशनी निकालिए और उस रोशनी से उस सिंबल को हवे में बनाइए, जो भी रंग का वो सिंबल है, चाहे वो उजला सफ़ेद हो जो कि ज़्यादातर सिंबल्स होते हैं, चाहे वो लाल हो, चाहे वो गोल्डन हो, चाहे वो बैगनी हो, यहाँ से रोशनी निकाल करके हवे में बनाने का अभ्यास आपके पास होना चाहिए कि हर बार आप अपने हथेलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, एक कठिन अभ्यास और होगा कि अपने जीभ से अपने तालू पे, जुबान से अपने तालू पे, कि कई बार आप इतना भी नहीं करते तो आँखों को बंद करके अपने तालू पे बनाना सीखिए, क्योंकि बहुत बार आपको बहुत सारी बातें कहनी होती है, सुननी होती है, बोलनी होती है, रखनी होती है। आप चाहते हैं कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली तरीके से उनको शांत कर सकें, तो अपनी ज़ुबान में अपने तालू पे ये बनाना सीखिए। हर सिंबल, मैं सिर्फ थर्ड लेवल के सिंबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंबल्स का अभ्यास तालू पे भी पूरी तरह से होना चाहिए। पेन और पेपर में तो सबसे पहले शक्तिपात लेने से भी पहले अभ्यास कर लिया जाता है पेन और पेपर में, तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको कभी कुछ विश शेड बनाना हो रहा है, कभी कुछ पावर ग्रिड बनाना हो रहा है, कभी किसी के लिए कोई प्रेयर लिख के देना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। अपने आप को शांत करिए, अपने आप को स्थिर कीजिए, उसके बाद ही सिंबल्स को बनाइए, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर स्थिरता लेकर नहीं आते हैं तब तक किसी भी सिंबल्स का कोई अर्थ नहीं होगा, चाहे हाथों में झंझनाहट महसूस हो चाहे ना हो, चाहे वाइब्रेशन फील करें या ना करें, अगर आप अपने अंदर स्थिरता महसूस कर चुके हैं तो सिंबल्स आप बनाइए और सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए। याद रखना, आप सिर्फ सिंबल बनाने वाले हैं, उसमें पावर भरने वाले वो है, तो मदर नेचर, ये यूनिवर्स ही उस पर पावर भरते हैं।
पावर तभी भरेगा जब आपकी पाइपलाइन क्लीन होगी, जब आप शांत होगे, जब आप स्थिर होगे। आशा करता हूँ सिंबल्स को कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ कहाँ ड्रॉ करना चाहिए ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो पे हम और कुछ गहरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो रेकी हीलर्स को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। मिलते हैं आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते आई जी।